थैंक यू फॉर हैविंग मी। वो अभी बिजी है इसीलिए तो नहीं आ पाई है। ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज मिसिंग व्हेन शी इज नॉट नेक्स्ट टू मी हियर। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स शी इज अ बंडल ऑफ जॉय एंड एनर्जी। ओके आज रियूनियन पार्टी हो रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कितना एक्साइटेड है? पहले तो सारे कंटेस्टेंट्स आई एम वेरी हैप्पी टू मीट। हम लोग जितने भी हमारा जो ग्रुप था, हम जितने भी लोग साथ में रहते थे, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट देम। एंड अभिषेक से मिलने के लिए और भी ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज उससे मिलकर आई थिंक अरसा हो गया है। फिनाले के टाइम पे मिले थे, दो मिनट के लिए स्टेज पर मिले, फिर वो चला गया कहीं, मैं कहीं चला गया, उसके बाद मिल ही नहीं पाए। और फिर ही इज़ बिन एन्जॉइंग हिज जो भी उसका जो सक्सेस ही इज़ एन्जॉइंग, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। सो मैंने सोचा उसको पहले वो एन्जॉय कर लेने, तो फिर आराम से मिलते हैं। जी मैंने पोस्टर देखा, वेरी वेरी हैप्पी फॉर देम, जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर देम। नहीं ऐसा सोचा नहीं था, बट आई एम वेरी हैप्पी। ऐसी 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 नई नई चीज़ें देखने मिले, अच्छा लगे यार देखने का, देखकर। ऐश्वर्या थी, आई डोंट नो देख सकते हैं कि नहीं, बिकॉज ऑफर होगा तब सोचूंगा, अभी तक तो हुआ नहीं, तो अभी सोचने का मतलब नहीं है। हाँ पर मैं वो टिप्स देके अपनी गेम क्यों ख़राब करूँ? अरे कुछ नहीं यार, स्टंट है करना है, जस्ट कीप योर फियर असाइड एंड जस्ट परफॉर्म। जब भी कुछ नया होगा, यू गाइज विल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो, बिकॉज आपसे पहले, मुझसे पहले आपको पता चल जाता है कि हाँ ये फाइनल हो गया। है एक सरप्राइज़ है, अभी बता नहीं सकता, लेट्स होप के वो सक्सेसफुल हो जाए और वो ख़राब ना करे सरप्राइज़ को, हर बार ख़राब कर देती है। वो नहीं बता सकता मैं, है कुछ सरप्राइज़ है इतना बता सकता हूँ। लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी ऑल थ्रू आउट माई करियर। थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.